कांग्रेस ने 7 दिग्गजों को उतारा चुनावी मैदान में, 15 को करेगी ऐलान। भाजपाइयों में मची खलबली। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के कांग्रेसी उम्मीदवारों की सूची के लिए जितना उतावलापन कांग्रेसियों में नहीं, उससे कहीं ज्यादा भाजपाइयों में है, और जितना उतावलापन भाजपाइयों में है उससे कहीं और कहीं कहीं ज्यादा इस तथाकथित मीडिया में है। कांग्रेस ने अपने 153 प्रत्याशियों की सूची मुहर लगाकर फाइनल कर रखी है, और मीडिया के साथ साथ भाजपाइयों के उतावलापन को शांत करने के लिए कल के बाद कभी भी प्रत्याशी जो है कांग्रेस अपने इन 153 प्रत्याशियों की सूची जारी कर रही है। वैसे तो कांग्रेस ने तकरीबन प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों के लिए अपने प्रत्याशी फाइनल कर लिए हैं, परंतु कुछ पर और विचार मंथन के लिए पहले 153 नाम घोषित कर रही है। हालांकि संभावना यह भी जताई जा रही है कि कांग्रेस आलाकमान पूरे 230 प्रत्याशी एक साथ ही घोषित करने का मूड बना रहा है। जहां तक सूची के प्रति कांग्रेसियों में उतावलापन इसलिए नहीं है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ समय समय पर ये कहते रहे कि जिन्हें टिकट मिलना है उन्हें हमने इशारा कर दिया है, वे अपनी तैयारी में लग गए हैं। यही रही बात अन्य दावेदारों की, तो उनका उतावलापन भी भाजपाइयों के साथ ही कल के बाद शांत हो जाएगा। इंदौर के विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 1 से शुक्ला, 2 से चौकसे, 3 से जोशी, 5 से पटेल, राव से पटवारी तथा मऊ से शुक्ला और देपालपुर से पटेल कंफर्म हो चुके हैं। इंदौर विधानसभा 1 से इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 से भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को मैदान में उतारने के बाद कांग्रेस में एक बार फिर इस क्षेत्र से वर्तमान विधायक संजय शुक्ला को अन्य क्षेत्र में शिफ्ट किए जाने पर भी विचार विमर्श हुआ था। संजय शुक्ला की समर्थ एवं दलबल को दृष्टिगत रखते हुए उसका उपयोग करने के उद्देश्य से कांग्रेस आलाकमान की गहरी मंशा और सलाह थी कि संजय शुक्ला पुनः विधायक बने। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर।